भगवान शिव को शिवरात्रि पर कैसे प्रसन्न करें, कैसे आसान तरीके से आप घर में ही बैठे बैठे शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ को मना सकते हैं। भगवान भोलेनाथ वैसे ही इतने भोले हैं कि आपकी आसान विधि से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वहीं ज्योतिष आचार्य पंडित पंकज पाठक के अनुसार बताया गया कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कुछ आसान विधि दी गई है जिससे वह प्रसन्न हो सकते हैं। यदि आप घर पर भगवान शिव का पूजन करना चाहते हैं तो हम आपके उसकी बिल्कुल सरलतम विधि यहाँ बतलाते हैं। वैसे तो किसी ब्राह्मण के संयोग से भगवान शिव का पूजन अभिषेक हमको करना चाहिए, लेकिन यदि किसी कारण से ब्राह्मण उपलब्ध ना हो पा रहे हो और आप स्वयं अकेले ही भगवान का पूजन करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम भगवान को स्थापित करें किसी चौकी पर, गणेश जी को स्थापित करें, अंबिका जी को स्थापित करें, भगवान शिव के पार्थिव स्वरूप को बनाएं, मिट्टी का शिवलिंग बनाएं या नर्मदेश्वर शिवलिंग को लें या जो भी शिवलिंग आपके पास उपलब्ध हो शिवलिंग को वहां स्थापित करें, कलश को स्थापित करें, शुद्ध घी का दीपक वहां लगाएं, सर्वप्रथम आचमन करें, पवित्र हो जाए, मस्तिष्क पर भस्म का कपूर लगाएं, चंदन का टीका लगाएं, इसके पश्चात रुद्राक्ष की माला को धारण करने के बाद स्वस्ति वाचन, गणेश जी के स्मरण इत्यादि मंगल जो श्लोक है उनका वाचन करके सर्वप्रथम गणेश और अंबिका का हमको पूजन करना चाहिए। कलश में पवित्र नदियों के जल को रख करके कलश का पूजन करें, दीप का पूजन करें, पृथ्वी का पूजन करें और गणेश गौरी और कलश का पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करने के पश्चात भगवान शिव का हमको ध्यान करना चाहिए। भोलेनाथ के जो विभिन्न मंत्र हैं उससे उनका ध्यान करना चाहिए और फिर भगवान भोलेनाथ यदि पार्थिव के आपने बनाए हैं तो उनका पूजन प्रतिष्ठा करके करना चाहिए। नर्मदेश्वर जो शिवलिंग है उनमें प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है। तो भगवान शिव का ध्यान करें, पाद्य अर्घ आचमन स्नान के लिए उनको जल समर्पित करें, फिर क्रमशः दूध दही शहद शक्कर शुद्ध घी पंचामृत गंधोदक इत्र गुलाब जल फलों के रस तीर्थों के जल से भगवान शिव का पृथक पृथक स्नान कराने के पश्चात उनका पंचोपचार से पूजन करके यदि ब्राह्मण है तो रुद्रपाठ के द्वारा शिव महिम्न पाठ के द्वारा भगवान का अभिषेक हो सकता है। यदि कोई ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है तो 108 बार या 1008 बार नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करके आप भगवान शिव का अभिषेक करें। अभिषेक करने के पश्चात भगवान का यज्ञोपवीत चंदन भस्म वस्त्र इत्यादि से पूजन करके भगवान का फूल माला दूबा बिलपत्र अकाव शमी धतूरे जो भी भगवान को प्रिय लगने वाले पत्र पुष्प है वह भगवान शिव को समर्पित करें। भगवती पार्वती के लिए बामांग में कुमकुम सिंदूर रक्त पुष्प समर्पित करें और भगवान का श्रृंगार करके पान फल प्रसाद इत्यादि भगवान को भेंट करें, नारियल भेंट करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। यदि आपको लिंगाष्टक शिवाष्टक रुद्राष्टक शिवतांडव इत्यादि स्तुतियां आती हैं तो इन स्तुतियों का भी पाठ कर सकते हैं। इसके बाद भगवान की आरती करें पूर्ण श्रद्धा के साथ शिवमय होकर के जो शिवरात्रि के दिन भगवान का अनन्य भाव के साथ पूजन करता है भजन करता है निश्चित भोलेनाथ की उनके ऊपर कृपा होती है। जब भोलेनाथ की कृपा होती है तो भगवान भोलेनाथ संसार के सारे सुखों को प्रदान करते हैं।